अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको अपने छोटे से गोदाम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा और हम उसको वन बाय वन सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। ये आपको सामने जो नज़र आ रहा है ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को स्टोर करने के लिए एक छोटा सा गोदाम बनाया है, जिसकी डायमेंशन जो है फ्रंट से जो गोदाम की डायमेंशन है वो तकरीबन 30 फुट है और ये तकरीबन 24 फुट है, तो टोटल 54 फिट इसकी विड्थ है। और अगर हम लंबाई में इसको देखें तो इसकी 88 फीट इसकी लंबाई है। और अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है कि आपके पास छोटा मोटा जो है ना कवर्ड स्पेस होनी चाहिए कि जहां आप अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकें और उनको जो है वो मौसमी असरात से, बारिश से, तूफ़ान से, गर्मी से उनको बचा सकें। तो आए आपको मैं विज़िट करवाता हूँ। जी, इसका एंट्रेंस पॉइंट है और अभी जो है वो ये फ़िलहाल पूरा जो है वो सहन सा बनाया हुआ है और अभी जो है हम आपको गोदाम के पास लेके चलते हैं। ये गोदाम है जिसकी जो डायमेंशन जो है वो तकरीबन ये यहाँ से लेके वहाँ तक जो है 30 फुट है और ये लंबाई में 60 फीट है। तकरीबन 1800 स्क्वायर फीट का गोदाम है। इस गोदाम का मेन पर्पज़ यही है कि हम अपनी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को स्टोर कर सकें, फर्टिलाइज़र को स्टोर कर सकें। अभी क्योंकि सारी फसलें जो है वो अभी अंडर प्रोसेस है, इंशाल्लाह उसके बाद गंदम भी अप्रैल में आ जाएगी, सरसों भी है, फिर लहसुन भी है, तो उस वक्त तक इंशाल्लाह हम इसको जो है ना उन तमाम चीज़ों को यहाँ स्टोर करेंगे। और ये तकरीबन अभी फ़िलहाल जो है वो लास्ट वीक हमने तकरीबन 15 के करीब मुर्गियाँ ली थी। फार्मी भी हैं, मिस्री भी हैं, गोल्डन फार्मी मिस्री, तो अभी तकरीबन 3 महीने के चूज़े हैं माशाल्लाह। 2 महीने तक ये भी एगलिंग पे आ जाएंगी और इनका मैं आपको छोटा सा जो है वो इनका सेटअप दिखाता हूँ। अभी टेम्परेरी हमने ये डेवलप किया है। ये कुछ हमारे पास जो है ना ये लकड़ी के फट्टे पड़े हुए थे जिनके ऊपर हमने लहसुन को स्टोर किया था लास्ट वीक, और उसके बाद क्योंकि इसको जस्ट एक थोड़ी सी स्पेस चाहिए थी हमने उन्हीं लकड़ी के फट्टों को देख रहे हैं तकरीबन 6-6 इंच जो है ना वो नीचे फिक्स कर दिया। और ये इस तरफ भी ये हमने छोटी सी स्पेस जो है वो मुर्गियों के लिए बनाई है। ये अंदर की स्पेस है और चारों तरफ हमने इसको पीछे वॉल आ जाती है, बाकी इस तरफ भी वो लकड़ियों के फट्टे और इस तरफ भी लकड़ियों के फट्टे हैं। और उसके बाद जो तोड़े वाले जो शीटें जो होती हैं उसको हमने सी के जो है इसकी छत बना दी है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में मुर्गियों को जो है ना वो ठंड से बचाना बहुत लाजमी है, अदरवाइज़ जो है ना इनका जो शरह अमवात है वो बढ़ जाती है, तो इनको हीट की ज़रूरत होती है। तो अभी ये छोटा सा टेम्परेरी सा सेटअप है और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको ऐसा ऐसा हम एक्सपेंड करेंगे। हमारा इस फरवरी और मार्च में हमारा प्लान है कि हम तकरीबन 1500 के करीब चूज़ा जो है ना वो एक दिन का डालें। आए बाहर चलते हैं। ये टोका है, ये जो चारा होता है भैंसों के लिए और गाय के लिए, उनके लिए भी एक टेम्परेरी सा लगाया क्योंकि अभी सारी चीज़ें इनिशियल स्टेजेस पे हैं। जो चीज़ ऑर्गेनिकली ग्रो करती है चाहे कोई भी बिज़नेस हो, फार्मिंग बिज़नेस हो, कोई भी बिज़नेस हो, वो ज़्यादा पायदार होता है। तो हम अभी इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, जस्ट हम ऐसा ऐसा जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ों पे पैसे लगा रहे हैं। ये भी हमने सेकेंड हैंड लिया था, ये भी एक जुगाड़ है टेम्परेरी सा। इंशाल्लाह जब हमारा सिस्टम रन हो जाएगा फिर इसके अंदर जो है ना हम एडिशन करते रहेंगे। ये जी हमारा गुलटैर नस्ल का डॉग है, अभी ये सोया हुआ है। और उसके बाद ये हमारा जी छोटा सा कट है, ये इस भैंस से जो है ना एक तकरीबन 1.5 महीना पहले दिया। ये भी देसी नस्ल की गाय है और हमारी जो है वो मिक्स जो है वो भैंस है। ये तकरीबन अप्रॉक्स ये जो गाय जो है ये आप कह लें कि साहिवाल नस्ल की है, प्योर नहीं कह सकते लेकिन आप ये कह लें कि मिक्स है। तो ये उसकी बछिया है और ये भी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल की हो गई। ये भी इनका टेम्परेरी सेटअप है, ये हमने स्लैब के साथ, ये वो स्लैब्स हैं कि जो आप ये जो हमारी छत जो थी ना प्री फैब की स्लैब, इस पर हमने लेंटर ही डाला, प्लान पहले लेंटर का था लेकिन वो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही थी तो इसमें से कुछ स्लैब्स बच गई थी। वो जो स्लैब बची थी कुछ ये पड़ी हुई है, तो वो सारी की सारी स्लैब्स हमने ना कहीं यूज़ करी, उनमें से कुछ स्लैब्स का मैंने टेम्परेरी से ये बना लिया। तो इंशाल्लाह अभी 1 साल हम इसको इसी तरह चलाएँगे तकरीबन। इस गोदाम को हमने लास्ट ईयर डेवलप किया है, ये हमने इस साल ऐड किए हैं, इसको भी पिछले साल ऐड किया था। ये बच्चा हमने लिया था मोती जो है, ये भी हमारा फैमिली का मेंबर है। और ये तकरीबन 15 के करीब मुर्गियां जो हैं देसी, ये भी हम लास्ट वीक लेके आए हैं। तो हम सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसा ऐसा ग्रो करें इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक, जो हमारी कोशिश है कि हम इसको अच्छे लेवल तक लेके जाएँ और एक सस्टेनेबल हमारा फॉर्म हो,
कि जो ख़ुद जो है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें प्रोड्यूस करता रहे। ये जी हमारी मुर्गियाँ जो पहले भी आप देख चुके हैं, और ये हमारा असील मुर्गा है, और वो साथ उसकी असील मुर्गी हमने जोड़ा रखा है, तो इसका भी हमारा प्लान है कि ऐसा ऐसा इसकी भी ब्रीडिंग करें और इसको भी आगे जो है ना वो लेके चलें। बड़ा ही खूबसूरत ये बर्ड है ऐसी, और बड़ा ही ज़बरदस्त लड़ने वाला मुर्गा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुर्गा एक ये देसी मुर्गा है, और उसके बाद ये असील मुर्गा है, और वो असील मुर्गी है। तो ये एक छोटा सा सेटअप हमने डेवलप किया है। मैं भी अपने तमाम नौजवानों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो अपने छोटे से लेवल से उसको स्टार्ट करें, और ऐसा ऐसा उसके अंदर एडिशन करते जाएं। जैसे कि मैंने सेटअप एक कनाल की जगह थी, और इसको मैंने सारा कवर्ड कर दिया, मतलब चार दीवारी कर दी। ये जो है अजमल के लिए जगह बनाई है, और मैंने अपने लिए कमरा जो है वो आपका कमरा भी दिखाता हूँ। कमरा जो है वो छोटा सा बनाया, और टम्परेरी सा, क्योंकि विकेट्स पे आना होता है। इंशाल्लाह इसको भी ऐसा ऐसा मैं लाइट जलाना भी अजमल ये तभी इसमें बेड वगैरह ला के रखना है। इसकी गली शली करवानी है अभी, जैसे एक पेटी जो छोटा बड़ा सामान पड़ा हुआ था। ये विंग बैलेंस है, ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र पहले बाहर पड़ी तो बंद अंदर ले आया। जी बेटा आप बैठे हुए हो, ठीक है। इमाद को भी फार्मिंग का बहुत शौक है। इमाद आपको फार्मिंग का शौक़ है ना? हाँ, ये मेरे साथ फार्मिंग करता है, ये पौधे लगाता है, और उसके साथ बर्ड्स का भी ख्याल रखता है, मुर्गों का भी ख्याल रखता है। मुर्गे इसी कहने पर लेके आए हैं। चले इमाद बाहर, चलो आ जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो फार्मिंग में ख़ास तौर पे जो आना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि अपने सेटअप को छोटे लेवल से स्टार्ट करें, ज़्यादा पैसा ना लगाएं। जब वो चल पड़े ऐसा ऐसा, तो फिर आप उसमें जो है ना चीज़ें ऐड करते जाएं। कुछ लोग होते हैं वो एकदम से जो है वो मुर्गी वाला काम शुरू कर देते हैं, कुछ जो होते हैं वो भैंसों वाला काम शुरू कर देते हैं। होता क्या, कोई पता पुता होता कोई नहीं, और एट द एंड वो लॉस में चले जाते हैं। फिर बाद में वो ब्लेम दे रहे होते हैं कि जी फार्मिंग वाला कारोबार जो है ना वो फिजिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आपको अपनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में भी अपडेट करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।